subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. और डीपी यूनिट है, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, लैंग्वेज। मैं ये मिल ले लिया है, अभी हम इसको टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने से पहले इसको स्पीड अप करेंगे। ये हम इसमें लगा दिया है। स्पीड अप इसलिए करते हैं, इसके अंदर जितने भी एयर पार्टिकल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और दूसरा एक तरीके से होमोनाइजिंग करता है। एनालाइजर में हमने लगा दिया है और एनालाइज कर। अब ये काउ मिल्किंग है, ये देख सकते हो आप, काउ एनालाइजिंग आ रहा है। आप इसको सेट कर सकते हो काउ बफेलो का, और रेट भी सेट कर सकते हो। ये जो अभी इसमें आपका कोड आ रहा है 34 कोड है, जीपी यूनिट में आप देख सकते हो। ये जो इसके अंदर हमने जो कोड दिखाया है 34, ये आप चेंज कर सकते हो, कस्टमर का डाल सकते हो अपने हिसाब से। इसका कीपैड है वो हम आपको वेबसाइट से बता देंगे। ये देखिए इसमें फैट जो आया है आपका 4% का है, और 7.9 का SNF आया है, और बाकी इसको हम डीपी यूनिट के अंदर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ये क्वान्टिटी, ये देखिए आपका फैट जो है 4% है, SNF आपका 7.9। अभी हमने रेट जो डाला हुआ है इसका, ये डाला हुआ 0.22, और ये आपका अमाउंट इसमें शो हुआ है। अभी ये इसका प्रिंटर इसके साथ में अटैच है। ये देखिए, ये स्लिप देखिए प्रिंट, ये यहाँ पे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल सकते हो। ये डेट है, ये शिफ्ट है, ये टाइम है, और ये कस्टमर का कोड है 15, वो आप चेंज कर सकते हो। क्वांटिटी 0.141 लीटर, 4 का SNF है आपका, 4% फैट है, SNF आपका 7.9, ठीक है। रेट अभी हमने जो डाला हुआ है 22.24 रुपीज़ है, और ये अमाउंट इसका है आपका 9.11। अब क्वांटिटी जो है आपका रेंज स्केल पे आप कर सकते हो, तकरीबन 100 kg के आसपास का है। अगर कस्टमर 40 लीटर के कैन लेके आता है तो इसका आप रेंज कर सकते हो। ये चारों मशीन इसमें कंपल्सरी है। बाकी अगर आपको स्टार्टअप में शुरू करना है तो ये स्पीडर और एनालाइजर से आप काम चला सकते हो। ये दो मशीन आपकी मैंडेटरी है। ये आपका जो डीपी यूनिट है इसमें प्रिंटर और डाटा बेस है, इसको और डाटा को कंप्यूटर में भी ट्रांसफर कर सकते हो, और वहाँ से आप अपने किसी भी कस्टमर का पूरा डाटा निकाल सकते हो, वीकली मंथली। तो चारों सेटअप इसको बोलते हैं मिल्क एनालाइजर सेटअप। इसमें आपका ये अल्ट्रासोनिक मिल्क एनालाइजर, स्टीरर, डीपी यूनिट, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे आप कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करोगे एक क्लीन स्केल। नॉर्मल वाटर को हमने इससे पहले क्लीन करेंगे, फिर केमिकल ऐड करके। क्लीन का बटन है, इसको दबाएंगे तो आपका क्लीनिंग का इसमें भी आपका लगेगा टाइम पीरियड। क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, अगर अंदर मिल्क रहेगा तो आपकी जो क्वालिटी है वो प्रॉपर शो नहीं होगी। क्लीन करेंगे, उसके बाद में इसका केमिकल है उससे भी आपका क्लीन। ये डे वाइज है, ये वीक वाइज है। इसमें पूरा फॉर्मूला, ये कंटेंट लिखा हुआ किस तरीके से आपको क्लीन करना है। 2-4 बार आप करोगे तो प्रॉपर तरीके से सीख जाओगे। देखिए क्लीनिंग शो हो रहा है, तो इसमें जितने भी आपके मिल्क के कंटेंट होंगे ये वाटर में आ जाएंगे, और ये प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी। क्लीनिंग करनी बहुत कंपल्सरी है, क्लीनिंग नहीं करोगे तो आपके जितने पैटर्न। हम डेयरी मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड लोहे स्टील टैंक के निर्माता है। मशीन को खरीदने के लिए वीडियो में दिखाए गए नंबर पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट kingfortechindustriescom पर विजिट करें। आप वेबसाइट का लिंक वीडियो में देख सकते हो। मशीन की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को देखें। यदि आपको दूध की मशीन जैसे बल्क मिल्क कूलर, मिल्क एटीएम मशीन, खोया मेकिंग मशीन, घी मशीन, दही मेकिंग मशीन, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, मिल्क क्रीम सेपरेटर, मिल्क एनालाइजर, दूध की बोतलें, दही के डब्बे, मिल्क पाउच पैकिंग मशीन, रोड मिल्क टैंकर, स्टील टैंकर, वाटर टैंकर आदि मशीन भी हम निर्माता है। हम मशीनों के मैन्युफैक्चर हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।